राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में दम नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने मजबूत व्यक्ति है और सभी लोकतंत्र में अधिकार है, किसी देश की किसी राज्य की भूमि पर जाकर वो कोई भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता, पर जो भी सरकारें उनको रोकने का कोशिश कर रही है वो गलत है। देखिए, राहुल गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की और सभी लोकतंत्र में अधिकार है, किसी देश की किसी राज्य की भूमि पर जाकर वो कोई भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता, पर जो भी सरकारें उनको रोकने का कोशिश कर रही है वो गलत है। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में दम नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने मजबूत व्यक्ति है कि वो इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। अड़चने पैदा जो लोग करते हैं वो गलत मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी यात्रा शुरू करने का अधिकार है। बहुत बहुत विश्व शर्मा ने ये कहा है कि अभी तो वो कुछ नहीं करेंगे, चुनावों के बाद 2-3 महीने बाद गिरफ्तार करेंगे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम किया जो गिरफ्तारी होगी वो ठीक है कि ध्यान बांटने के लिए वो इस प्रकार की बयानबाजी असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और यह अक्सर ध्यान बांटने की बात होती है और इस ध्यान बांटने की कोशिश रहती है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो अथा समर्थन असम में मिल रहा है उस बात से ध्यान बांटने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।